जब जन्म लेता है तो मनुष्य के ऊपर तीन प्रकार के ऋण हो जाते हैं। जैसे मनुष्य ने धरती पर जन्म लिया, जब तक माँ के पेट में है तब तक कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री है। लेकिन जैसे मनुष्य जब धरती पर आता है उसके माथे पर तीन ऋण जड़ जाते हैं। कौन कौन से? पहला ऋण है देव ऋण, देवताओं का ऋण है हमारे। दूसरा ऋण है पितृ ऋण, पितरों का ऋण हमारे ऊपर है। तीसरा है मनुष्य ऋण, मनुष्य ऋण में ऋषि ऋण भी कह सकते हैं, यानी जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उनका ऋण भी हमारे माथे पर। तो सूत जी ने वहां कहा ऋषियों कि जो भी प्राणी इन तीनों ऋणों से ऋण होना चाहता है तो देव ऋण की मुक्ति के लिए नित्य देवताओं का पूजन करे, उसके ऊपर फिर देवताओं का ऋण चढ़ता ही जाता है और फिर देवता उसे परेशान करते हैं। कई लोग कहते पंडित जी हमारी कुंडली देखो, तुम भगवान की पूजा नहीं करो। पूजा करता है उसका देव ऋण फिर धीरे धीरे उतरता जाता है। दूसरा ऋण लिखा है पितृ ऋण, पितृ ऋण की मुक्ति के लिए हमें लिखा तो शास्त्र में भी नित्य लिखा, लेकिन नित्य न कर पाओ तो कम से कम श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ तर्पण श्राद्ध आदि कर्म अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि नहीं करते फिर पितृ उसका रक्त का पान पीते हैं और उस व्यक्ति का फिर विनाश आने लगता है। ऋषि ऋण से मुक्ति पाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने जिन जिन ग्रंथों का, जिन जिन पुराणों का सार लिखा है उनका नित्य पठन पाठन करना। नित्य हमको घर में हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, हो सके तो घर में रामायण का पाठ करना चाहिए। कोई सी भी चालीसा, कोई सा भी पाठ नित्य आपके मुख से जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखे हुए हैं उनका पाठन अवश्य करना चाहिए। जो नहीं करता उसके ऊपर फिर ऋषि मुनियों का ऋण उसके ऊपर चढ़ जाता है। और जो नित्य भगवान के भजन कीर्तन, भगवान के गुणानुवादों का पाठ करता है, शिव पुराण पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, धीरे धीरे उस ऋण से वह भी मुक्त हो जाता है।